अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शालिनी फ्रॉम पंजाब स्टूडियो। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके बताने वाला हूं फ्लैश लाइट यूज़ करने के। क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों और चाहने वालों के कमेंट आ रहे थे कि आप फोटोशूट के लिए कौन सी फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें रिव्यू दे दें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस घंटे के निशान पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्लैश लाइट यूज़ करने के बारे में बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि फ्लैश लाइट मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये है मेरे पास फ्लैश लाइट, आपको कैमरे में नज़र आ रही है कि N600C है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलो इसे ओपन करते हैं। दोस्तों हमने ओपन कर लिया, ये इसका जेन्युइन डब्बा है, मैंने ओपन कर चुका हूँ। आप इसका जेन्युइन डब्बा देख सकते हैं, क्योंकि इस पर लिखा है N600C। तो आपको ये फ्लैश लाइट के ऊपर भी लिखा नज़र आ रहा होगा N600C। तो दोस्तों ये नीचे जो लगा हुआ है फ्लैश लाइट के, ये भी हम आपको दिखा देते हैं अभी। तो ये देखें, ये चीज़ है वो, ठीक है दोस्तों। तो ये है फ्लैश लाइट, आपने देख ली, हमने ओपन कर चुके हैं इस डब्बे को, न्यू डब्बा लिया हमने अपने भाइयों के लिए, ताकि हम बना सकें। ये शाइनी की फ्लैश लाइट है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। दोस्तों हम फ्लैश लाइट निकाल चुके हैं, तो दोस्तों हम इसे देखते हैं क्या चीज़ है। ये भी चीज़ इसके ऊपर है, ताकि आप ये टर्निंग हो सके, आप शीशे में देख रहे हो आपको आपका चेहरा नज़र आता है, इसी तरह ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो ये है फ्लैश लाइट, अब इसे हम ओपन कर यूज़ ऑन करते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऑन नहीं हुई, आप देख सकते हैं मैंने ऑन की, नहीं ऑन हुई, आपको ऑन करके दिखाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इसमें सेल डलते हैं, ये चार्जिंग होती है, चार्ज होती है। तो दोस्तों हम अपना सेल डालते हैं, चार हम सेल भी आपको दिखाते हैं। ये इसके जेन्युइन चार सेल हैं, आपको मिल जाएंगे बाज़ार से, तकरीबन 800 के मिल जाएंगे या 1000 के मिल जाएंगे। बाकी वीडियो के एंड पे मैं इसकी प्राइस बता दूंगा आपको, फ्लैश लाइट आप ये सेल देख सकते हैं। तो दोस्तों हम सेल डालने वाले हैं, सेल डालने का तरीका आप देख सकते हैं, इधर देखें, आपने वीडियो के एंड तक देखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों हम इस वक्त सेल डाल चुके हैं और मैं आपके सामने से ऑन करने वाला हूँ। यहाँ पर इसका ऑन का बटन है, आपको नीचे करना है तो ये ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन होगी आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी। तो ये दोस्तों फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है, जब आप इसके कैमरे के ऊपर लगाते हैं तो आप इसे नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ आगे की तरफ ज़्यादा लाइट देनी हो, मसलन कि अंधेरा हो तो इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर सामने रोशनी है, मसलन कि आप दिन में शूट कर रहे हैं, तो इसे ओपन ऊपर को करेंगे तो ज़्यादा लाइट लेगी फिर। अगर ओपन करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे तो फिर कम लाइट लेगी। तो दोस्तों ये है फ्लैश लाइट, ये शाइनी की फ्लैश लाइट है, आपको नज़र आ रही होगी, ये बहुत ही अच्छी फ्लैश लाइट है। और ये देख वो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आपने जब इसे यूज़ करना है, ये ETTL पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, तो यह इसी पे यूज़ करना है इसे, इसी पे बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों हमारे दोस्त काफ़ी पूछ रहे थे कि ये ऑटो है मैनुअल, ये दोस्तों ऑटो है,
ऑटो पे आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ती, मैनुअल पे आपको सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में जितनी भी मालूमात है मैंने आपको आसान सा सारी बता दी है। यहाँ पे इसके बटन हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से फ्लैश आपको जब आप खरीदेंगे कैमरा ना साथ लेकर यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये रेड बटन है, ये देखें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ऑन है। उसके बाद यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, मोड है। तो यहाँ से आप इसके चेंज करते हैं फंक्शन, लेकिन आपने ज़्यादातर फंक्शन ETT LPC यूज़ करना है। तो दोस्तों हम इसे ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप अच्छा, बहुत से भाइयों के ये भी कमेंट थे कि आप कौन से कैमरे से आम शूट करते हैं। आम शूट मैं 700G से करता हूँ आम शूट, और ये उसकी फ्लैश लाइट है। आप ये जब आप जाएंगे तो कहेंगे कि 700D की फ्लैश लाइट दे दें, क्योंकि हर कैमरे के जब ये ऊपर लगते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन चेंज होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसकी प्राइस कम इस काम आपको ये बाज़ार से, लाहौर के बाज़ार से, लाहौर फैसलाबाद में आपको 2 गुना ज़्यादा मिलेगी इसकी प्राइस। मसलन के आपको मिसाल है तो 4000 है ना, यहाँ पे 8000 की मिलेगी आपको, तो ये 8000 की मिलेगी। तो दोस्तों इसकी प्राइस है 8000, 8800 रुपया है इसकी प्राइस, लेकिन आपको 8000 में ये फ्लैश लाइट मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ करने का तरीका, तो आप जान चुके हैं, तो इसके प्राइस के बारे में भी आपको पता लग चुका है। लेकिन आपने ज़्यादातर इसे, बहुत से लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन नहीं इसे खरीदना, ऑनलाइन पे आपको नुकसान चीज़ें मिलती हैं, ये बात ज़रूर याद रखें। बहुत से भाई ऑनलाइन चीज़ें खरीद लेते हैं, बाद में बहुत ही परेशान होते हैं, तो आपने इसे ऑनलाइन नहीं खरीदना। कैमरा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, आपने उसे ऑनलाइन कभी भी नहीं खरीदना। तो इसकी 8800 प्राइस है, आपको 8000 में मिल जाएगी, उसके बाद सेल आपको लेदर लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फ्लैश लाइट के बारे में, बहुत से भाइयों के कमेंट थे, तो आप इसी तरह मुझे कमेंट करते रहें कि किसके बारे में वीडियो बनाऊँ, किसके बारे में ना बनाऊँ। मैं इसी तरह आपके लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लाता रहूँगा, और मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह ताला, उसकी भी वीडियो लाइव हम चलाएंगे इंशाल्लाह। और हमारा ड्रामा जो चल रहा है चौधरी का किस्सा, उसे भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके, जितना भी हो सके इसे शेयर करते जाएँ, ताकि हमारे भाई फ्लैश लाइट के बारे में सब कुछ जान सकें कि यूज़ करने का तरीका क्या है, यूज़ ना करने का तरीका क्या है। अगली वीडियो में 700D कैमरे के बारे में बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं। आप समझ लो कि हमें पैसे मिलते हैं, हमें पैसे अभी तक कुछ नहीं मिला, मैंने यूट्यूब से कुछ नहीं लिया, लेकिन इतना है कि मैंने अपने भाइयों को गाइड ज़रूर किया है। तो दोस्तों इसी तरह मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी, चलते हैं अगली वीडियो, ओके बाय।